प्रिय छात्रों, तो चलते हम इस पद्य पाठ को पढ़ने, जिसका नाम है कह कबीराय। इसके कवि है गिरधर जी। मैंने पहले भी आपको गिरधर जी का परिचय दिया है। गिरधर जी की 500 से भी अधिक कुंडलियां तथा दोहे प्रसिद्ध है, और कुछ दोहे और कुंडलियों के बारे में मैंने आपको सविस्तर वर्णन भी बताया है। तो उनकी इस पद्य पाठ में कुछ कुंडलियां दी हुई है, तो चलते हम उनकी कुंडलियां को पढ़ने। छात्रों, तो चलते हम गिरधर जी की पहली कुंडली पढ़ने। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहन कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोई। शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावन। दोहो के एक रंग, काग सब भय अपावन। कहा गिरिधर कबीराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहन कोय, सहस नर गाहक गुण के। तो इस तरह से हमने इस पंक्ति को पढ़ा। छात्रों, मैंने कुंडली को तो पढ़ा, परंतु कुछ शब्द आपके समझ में नहीं आए होंगे, तो इसके कुछ अर्थ, कुछ शब्दों के अर्थ हम जानेंगे। इस शब्द वाटिका में कुछ शब्द है, उसके अर्थ। गुण यानी गुण, जिसमें कुछ ना कुछ गुण होता है, जैसे गाना गाने का गुण किसी में होता है, किसी का खेलने का गुण होता है, कोई अच्छा चित्र निकालता है तो वह गुण चित्रकारिता का होता है, वह गुण। ग्राहक यानी ग्राहक, जैसे हम दुकान पर कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो हम क्या हुए, ग्राहक। तो यहाँ पे यह शब्द है ग्राहक। सहस यानी हजारों, नर मनुष्य, बिन बिना, लहे यानी पाए, कोय कोई, खागा कौवा, सबको पता है। सुहावन बहुत अच्छा लगना। दोहु यानी दोनों, भय बहाना या लगना। अपावन अपवित्र, सुनो सुनना। ठाकुर कवि के विचारों से ठाकुर मतलब मनुष्य या लोग। तो हमने कुछ शब्द के अर्थ पढ़े, समझ में आपके। छात्रों, तो हमने कुंडली को भी पढ़ा और उसके कुछ शब्द के अर्थ भी समझे। तो इस कुंडली का भावार्थ हम सविस्तर में पढ़ेंगे। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। कवि गिरधर जी कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसमें कुछ न कुछ गुण होते हैं, और जिनमें गुण होते हैं उनके हजारों गाहक होते हैं, यानी लोग उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें मान सम्मान देते हैं। परंतु जिनके पास कोई गुण नहीं होता, उन्हें दुनिया कोई कीमत नहीं देती, उनके लोग कुछ पसंद नहीं करते। जैसे कवि ने इस गुणों के बारे में एक उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण दिया है हमें, कागा और कोकिला का। आपने नाम भी सुना होगा और देखा भी होगा। तो कागा और कोकिला, इनके हम शब्द सुनते हैं। शब्द सुने सब कोय, कोकिला भये सुहावन। कोकिला के जो शब्द है, उसकी जो सुरीली आवाज है, वह सबको अच्छी लगती है, यानी एक गाने का गुण उसमें होता है। दोहो के एक रंग, कागा भये सब अपावन, यानी कि दोनों के रंग, कोकिला और कौवे के, दोनों के रंग काले होते हैं। दिखने में तो वह दोनों एक सरीके दिखते हैं, परंतु गुणों से वह अलग होते हैं। तो दोनों के एक ही रंग, कागा भये सब अपावन। कौवा किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसकी रटरट की आवाज हमें अच्छी नहीं लगती। कहते हैं गिरधर कबीराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहे न कोय, सहस गाहक गुण के। सहस नर गाहक गुण के। इसीलिए कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, हे ठाकुर, मैं मेरे मन की बात बता रहा हूँ कि इस दुनिया में
गुणों का महत्व है। जिन लोगों के पास गुण होते हैं उन्हें लोग कीमत देते हैं, उनके हजारों ग्राहक होते हैं, पर जिनके पास गुण नहीं होते उन्हें कोई भी पूछता नहीं है। इस तरह से हमने इस कुंडली को